In this video, we will learn about image formation by using concave lens. So let's start. First case जो हम करने वाले हैं, that is when object is placed at infinity. देखते हैं ये कैसे बनेगा. तो हमने concave lens ले लिया, f1, f2, 2f1 और 2f2 principal axis पे allocate कर दिए. अब देखिए हम रे बनाएंगे जो कि कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से. ये रे जो है हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, फोकस से होती हुई डाइवर्ज हो जाएगी. इसी तरीके से देखिए हम अपनी दूसरी रे बनाते हैं जो कि जब इन्फिनिटी से आती हुई कॉनकेव लेंस पर पड़ती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी. अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो रे है ये हमने वर्चुअली कहां पर एक्सटेंड कर दी, F1 की तरफ. इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो F1 पर आपकी दोनों रे जो है वर्चुअली मीट कर रही हैं, तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा एट फोकस, और वो क्या है हमारा F1. सेकंड क्या है हमारा, साइज ऑफ द इमेज. तो वो आपको दिख रहा होगा F1 पर बहुत छोटी सी इमेज मिल रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी हाईली डिमिनिश्ड. लास्ट थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द इमेज. तो आपको दिख रहा होगा इस टाइप रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं. इसका मतलब जो नेचर ऑफ द इमेज है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल, और इमेज कैसी हो जाएगी, इरेक्ट. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट. अब देखिए सेकंड केस क्या हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर. यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1 और एट 2f1 और between 2f1 and f1 or at f1 and between f1 and o. समझते हैं इस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा. तो देखिए यहाँ पर हमें अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ओ के बीच में रखना है, तो मैं यहाँ बियॉन्ड 2f1 रख देती हूँ अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी. आप चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को 2f1 between 2f1 एंड F1 या F1 पर रख सकते हैं या F1 O पर रख सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है. आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड O कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पैरेलल रे बनाते हैं A पॉइंट से, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, F1 फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी जब कॉनकेव लेंस पर पड़ेगी. दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी और ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी सीधी मूव कर जाएगी. अब यहाँ देखिए आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है वहाँ हमारी इमेज मिल गई, वो क्या है, a'b'. इस इमेज के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है अब वो हम लिख लेंगे. तो सबसे पहले देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस डायग्राम में इमेज आपको कहाँ मिल रही है, F1 और O के बीच में. यानी कि हम क्या लिख देंगे, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O. सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज. तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा फ्रॉम द डायग्राम की जो इमेज है हमारी वो छोटी है कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड. थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द इमेज. तो क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट, और असली में रे मीट नहीं कर रही, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल. यानी कि नेचर ऑफ द इमेज हमारा क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इसके बाकी केसेस आप लोग खुद करके देखिएगा, उसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 बिटवीन 2f1 एंड f1 एट f1 एंड f1 एंड o रखकर देखना, आपको पता चलेगा कि इमेज जो है हमारी हमेशा सेम मिल रही है, पोजीशन ऑफ इमेज भी, साइज ऑफ इमेज भी और नेचर ऑफ इमेज भी. आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.